हल्कू एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम मुन्नी था। एक दिन उनका दरवाजा किसी ने खटखटाया। हल्कू ने दरवाजा खोला तो देखा कि सहना, जो महाजन होता है, वो अपने पैसे लेने आया था। हल्कू ने उससे कर्ज लिया था, जिसे वो धीरे धीरे करके चुका रहा था। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ। घर में रुपये रखे हैं, वो उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी बोली, 3 ही रुपये तो रखे हैं घर में, ये भी दे दोगे तो कंबल कहाँ से लाओगे? उसकी रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो अभी नहीं है, फसल पर दे देंगे। हल्कू एक जगह पर खड़ा हुआ सोचता रहा। पूस का महीना सर पर आ गया था और कंबल के बिना वो खेत में रात नहीं गुजार सकता था। मगर सहना मानेगा नहीं, चिल्लाएगा, गालियां देगा। भले ही जाड़ों में मरूंगा, लेकिन ये बला तो सर से टल जाएगी। वो मुन्नी के पास जाकर बोला, ला दे दे 3 ही रुपये, कंबल का कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी जोर से बोली, कर चुके तुम कोई दूसरा उपाय, कंबल क्या कोई मुफ्त में दे देगा तुम्हें? ना जाने कितना कर्ज बाकी है अभी, पता नहीं कब तक पूरा चुकेगा ये। मैं कहती हूँ, तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते हो? मर मर कर काम करते हो, उसपे भी फसल काटने पर कर्जा चुकाने में सारे पैसे चले जाते हैं। खेती छोड़कर कुछ और काम कर लो, मैं रुपये ना दूंगी। हल्कू ने कहा, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने एकदम से कहा, गाली क्यों देगा, उसका राज है क्या? मुन्नी ने ये कह तो दिया, लेकिन वो भी जानती थी कि रुपये तो देने ही पड़ेंगे। उसने रुपये निकालकर हल्कू के हाथ पर रख दिए और बोली, तुम खेती करना छोड़ दो, मजदूरी में कम से कम एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। मर मर कर खेती करो और उसकी मेहनत भी महाजन लेकर चला जाए। मुन्नी की बात सुनकर हल्कू चुपचाप सिर झुकाए रुपये लेकर बाहर चला गया। हल्कू उन 3 रुपयों की अहमियत जानता था, जिसे उसने पाई पाई जोड़कर कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे। सहना को रुपये थमाते हुए हल्कू के हाथ कांप रहे थे, जैसे वह सीने से अपना दिल निकालकर सहना की हथेली पर रख रहा हो। वक्त बीतता गया और पूस की वो कड़कड़ाती सर्द रातें भी आ गई। आसमान में चांद तारे भी ठंड से ठिठुरते हुए नजर आते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे बांस व पत्तों से बनाई मचान के नीचे पुरानी सी चादर ओढ़े कंपकपाते हुए बैठा था और साथ में उसका कुत्ता जबरा भी उसके साथ था, जो सर्दी के कारण बार बार कुकू की आवाज निकाले जा रहा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इसके बाद हल्कू गर्दन को घुटनों पर सटाए सोचने लगा, सब किस्मत किस्मत की बात है, हम यहाँ ठिठुरते हुए रात काट रहे हैं और वो पैसे वाले बिना कुछ किए ही मजा लूट रहे हैं। इसके बाद हल्कू ने चिलम भरी और ठिठुरते हुए उसे पीने लगा। हल्कू ने अपने कुत्ते जबरे को देखा और कहने लगा, आज यह रात किसी तरह काट ले, कल मैं तेरे लिए यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तब ज्यादा ठंड न लगेगी। हल्कू वही जमीन पर लेट गया और सोचा कि कुछ देर के लिए आंख मूंद कर सो लूं। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, ठंड जैसे उसके पूरे शरीर में सुइयां बनकर चुभने लगी। कुछ देर करवट बदलने के बाद हल्कू पूस की रात को कोसते हुए उठकर बैठ गया। जब सब कुछ करने के बाद भी ठंड जाने का नाम नहीं ले रही थी, तो हल्कू ने पास बैठे अपने कुत्ते को उठाया और उसे गोद में लेकर लेट गया। ठंड से बचने के लिए जबरे के शरीर से आ रही दुर्गंध को भी हल्कू ने नजरअंदाज कर दिया। जबरे को भी गर्माहट मिल रही थी, उसने भी आंखें मूंद ली थी और सोने की कोशिश कर रहा था। तभी जबरे को कोई आहट सुनाई दी और वो एकदम सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। जबरा अचानक मचान से बाहर निकला और इधर उधर दौड़ते हुए जोर जोर से भौंकने लगा। कुछ देर यहाँ वहाँ भौंकने के बाद जबरा दोबारा हल्कू से सटकर बैठ गया। ऐसे ही रात का एक और घंटा बीत गया और ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ठंड में हल्कू को लगा कि जैसे उसका खून जम गया हो और वो बेबसी से बस सुबह का इंतजार करने लगा। हल्कू के खेत के सामने ही एक आम का बड़ा सा बाग था, जिसे देखकर वो सोचने लगा कि पतझड़ शुरू हो चुकी है और जरूर इन पेड़ों से पत्तियां झड़ी होंगी, तो क्यों ना इसके सूखे पत्ते लाकर देर तक आग सेक लूं। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद हल्कू एकदम से उठा और एक सूखे पौधे को उखाड़कर उसे मशाल की तरह जलाकर पेड़ों की ओर चल पड़ा। अपने मालिक को जाता देख जबरा भी झट से उठ गया और दुम हिलाते हुए हल्कू के पीछे हो लिया। बाग में पहुंचकर हल्कू ने उन विशाल पेड़ों को देखा, जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। अपने मन के डर को दबाते हुए हल्कू नीचे झुका और पेड़ों के आसपास पड़ी पत्तियों को बटोरने लगा। सूखे पत्तों को समेटने की वो आवाज और ठंडी हवा के झोंकों से आ रही पेड़ों की सरसराहट हल्कू को डरा रही थी। ठंड में नंगे पांव पर कंकड़ तो मानो तीर की तरह चुभ रहे थे।
हल्कू जितनी पट्टियां समेट सकता था समेट ली और मचान की ओर चल पड़ा। मचान के बाहर पहुंचकर हल्कू ने पत्तियों में आग लगाई। देखते ही देखते आग धधकने लगी और उसकी लपटें पेड़ों को छूने लगी। हल्कू और जबरा वहीं आग के पास बैठ गए। हल्कू अलाव में कभी अपने हाथ सेकता तो कभी पांव तो कभी आग की ओर पीट करके बैठ जाता। जबरा भी आग के पास पसर कर लेट गया और उन लपटों को देखने लगा। कुछ समय बाद वो आग की लपटें जैसे कहीं गुम हो गई और पत्तियों का ढेर सिमट कर राख में बदल गया। हल्कू राख की थोड़ी सी गर्माहट में वहीं चादर ओढ़े दुबक कर बैठ गया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी ठंड उसे और जकड़ने लगी थी। कुछ देर बाद हल्कू वहीं राख के ढेर के पास लेट गया। हल्कू को नींद आने ही वाली थी कि जबरा फिर से अचानक से उठ गया और खेत की ओर जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू के कानों में भी कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे जानवरों का बड़ा झुंड खेतों में घुस आया हो और उसकी फसल चर रहा हो। इस कपकपाती ठंड में उठकर खेत में जाना और फिर जानवरों को भगाना उसे बेहद मुश्किल सा लग रहा था। हल्कू वहीं बैठे बैठे जबरे को आवाज देने लगा। हल्कू की आवाज सुनकर जबरा और भी जोरों से भौंकने लगा। खेतों में नीलगाय का झुंड घुस आया था, जो पूरी तैयार फसल को चढ़ने के साथ ही उसे तहस नहस किए जा रहा था। जबरा अपना गला फाड़ फाड़ कर भौंके जा रहा था, जैसे उन्हें वहां से चले जाने को कह रहा हो। इस बार हल्कू ने पक्का इरादा करते हुए खुद को समझाया और चादर को शरीर पर लपेटते हुए खेत की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। हल्कू कुछ कदम ही चला था कि अचानक तेज हवा के झोंके ने उसके कदम रोक लिए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने सैकड़ों सुइयां उसके शरीर में चुभा दी हों और उसका पूरा शरीर अकड़ गया हो। हल्कू दौड़ता हुआ राख के ढेर के पास लौट आया और चादर ताने सो गया। सुबह जब हल्कू की आंख खुली तो दिन चढ़ आया था और धूप निकल आई थी। सामने बैठी मुन्नी उसे गुस्से से घूरते हुए जोर जोर से कह रही थी, दिन भर सोए रहोगे क्या? उठकर देखो तो सही, जानवरों ने पूरी फसल का क्या हाल कर दिया। अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे रात में खेत में होने का क्या फायदा? अगर चादर तान कर सोना ही था तो घर में ही पड़े रहते। हल्कू ने कहा, तुझे तो बस खेत की पड़ी है, मैं यहाँ रात में मरने से बाल बाल बचा। रात को मेरे सीने में इतना तेज दर्द उठा कि मैं हिल भी नहीं पाया। ये तो मैं ही जानता हूँ कि दर्द के साथ मैंने कड़कड़ाती ठंड के बीच कैसे रात काटी है। हल्कू की बात सुनकर मुन्नी कुछ ना बोली। फिर दोनों खेत के पास आए और बुरी तरह रौंदे हुए खेत को देखने लगे। खेत की दुर्दशा देखकर मुन्नी के चेहरे पर उदासी छा गई और वो मन ही मन सोचने लगी कि अब गुजारा कैसे होगा। पर हल्कू के चेहरे पर एक अलग शांति थी। मुन्नी ने चिंता जताते हुए हल्कू से कहा, लगता है अब मजदूरी करके ही दिन काटने पड़ेंगे। हल्कू ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, चलो कम से कम अब इन सर्द रातों में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।